देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संपूर्ण रेन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर के बैच के बारे में। ये बैच आपको मेरे उपहार क्लासेस ऐप पर मिलेगा। ये ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे, जिसका लोगो ये दिखाई दे रहा है, यही लोगो आपको दिखाई देगा। इस लोगो वाले ऐप को आपको डाउनलोड करना है। उपहार क्लासेस के नाम से आपको ऐप मिल जाएगा। उस ऐप पर कंप्लीट कोर्स आपको रेन मार्टिन का मिल जाएगा। बेसिकली ये कोर्स मार्केट में 10,000, 15,000, इवन 20,000, 20,000 रुपये तक का चल रहा है, जो कि मैं आपको केवल और केवल 499 रुपीज़ में उपलब्ध करा रहा हूँ। ये आपको मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स, ए टू जेड आपको मिल जाएगा। इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा, किस सिक्वेंस मिलेगा, कहाँ पर मिलेगा, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ए टू जेड आपको बताऊँगा। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, ए टू जेड स्टेप बाई स्टेप चीज़ें मैं आपको बताता चलूँगा। अभी सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर, वहाँ पर आप उपहार क्लासेस सर्च करना तो आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, उपहार क्लासेस बाय सुमित सर। ये आपका रहा लोगो, ये लोगो आपको दिखाई देगा। आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से इसको लॉगिन कर लेना है। देन आपको कोर्स दिखाई देगा, उस कोर्स को आपको बाय कर लेना है। देन आप ऐप के अंदर जैसे ही जाओगे तो ऐप के अंदर ये कोर्स आपको दिखाई देगा, जिसको आप 499 में केवल बाई कर सकते हो। बाई पर आप जैसे क्लिक करोगे तो बाई करने के बाद आपको कोर्स के अंदर दो फोल्डर दिखाई देंगे। एक तो लिखा होगा ओनली रेन एंड मार्टिन कोर्स। इस फोल्डर के अंदर केवल और केवल रेन एंड मार्टिन के वीडियोज़ आपको मिलेंगे। केवल और केवल रेन एंड मार्टिन के वीडियोज़ मिलेंगे। रेन एंड मार्टिन की बुक के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर थ्योरी नहीं दी गई है। एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी दी गई है, लेकिन थ्योरी नहीं दी गई है। तो अब अगर आपको थ्योरी भी अलग से समझनी है, मैं समझा तो रखिए, थ्योरी जिस बुक में दे रखी है, मैंने वर्ड टू वर्ड इस बुक को एक्सप्लेन कर रखा है बहुत डिटेल में। और क्या क्या कौन कौन से चैप्टर समझा रखे हैं वो भी मैं अभी बताऊँगा कि मैंने कौन से चैप्टर समझा रखे हैं। तो पहले फोल्डर में आपको ओनली रेन मार्टिन के सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें सारे चैप्टर मैंने कवर कर रखे हैं, सारी एक्सरसाइजेस कवर कर रखी हैं। अगर आपकी इच्छा कि नहीं सर, हमें उन चैप्टर्स के अलग से वीडियो और चाहिए, कुछ और अलग से ज्ञान चाहिए, तो आप दूसरे फोल्डर को भी देख सकते हो। इसमें रेन मार्टिन के साथ में सपोर्टिंग वीडियोज़ भी मैंने दे रखे हैं। तो इन वीडियो के साथ में, जैसे मान के चलिए कि पहले नाउन के वीडियोस मैंने लगा रखी हैं, ठीक है, नाउन के पहले वीडियो देखिए, सपोर्टिव वीडियोस, देन उसके बाद नाउन के सारे वीडियोस आपके रेन एंड मार्टिन के लगे होंगे, फिर प्रोनाउन के सारे सपोर्टिव वीडियोस लगे होंगे थ्योरी वाले जो मेरे खुद के बने हुए हैं, फिर उसके बाद प्रोनाउन के वीडियो सारे रेन एंड मार्टिन के होंगे, फिर एडजेक्टिव के वीडियो मेरे खुद के थ्योरी वाले होंगे, खुद के मेरे बने हुए सारे होंगे, फिर रेन एंड मार्टिन के एडजेक्टिव वाले सारे वीडियोज़ होंगे उनकी बुक के। तो जो पहला है, इसमें कोई भी सपोर्टिंग वीडियो नहीं होंगे, केवल और केवल रेन एंड मार्टिन पूरी बुक होगी, वर्ड टू वर्ड मैंने पढ़ाई है विद एक्सरसाइज, ठीक है, थ्योरी भी पढ़ाई है, एक्सरसाइज भी पढ़ाई है। ये भी आपको इसके अंदर मिलेगा फोल्डर, और एक फोल्डर आपको ये मिलेगा, आप इसको भी पढ़ सकते हो और इसको भी पढ़ सकते हो। 499 के अंदर आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी। तो इसके अंदर केवल रेन एंड मार्टिन के सारे वीडियोज़ मिलेंगे, आप चाहे इसको देख सकते हो। और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर थ्योरी मैंने अलग से पढ़ा रखी है। तो थ्योरी कैसी पढ़ा रखी, मैं फिर से समझा देता हूँ कि नाउन की थ्योरी मैंने अलग से खुद पढ़ा रखी है, अपने मन से मैंने पढ़ा रखी है। फिर उसके बाद मैंने रेन एंड मार्टिन की नाउन मैंने पढ़ा रखा पूरा, फिर प्रोनाउन मैंने अपने मन से पढ़ाया है पूरा, फिर रेन एंड मार्टिन का प्रोनाउन मैंने पढ़ाया है, फिर अपने मन से मैंने एडजेक्टिव पढ़ाया है, फिर रेन एंड मार्टिन से मैंने प्रोनाउन पढ़ाया है, फिर आर्टिकल मैंने अपने मन से पढ़ाया है, फिर मैंने रेन मार्टिन से आर्टिकल पूरा पढ़ाया है एक्सरसाइज विद एग्जांपल, और आपकी थ्योरी भी पढ़ाई है पूरी। तो दोनों आप आराम से देख सकते हो। इसमें वीडियोस बहुत सारे मिलेंगे देखने के लिए। इसमें आपको सारे सारे वीडियोस आपके रेन मार्टिन के केवल देखने को मिलेंगे, दोनों चीज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा ये PDF मैं शेयर कर दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो कि उपहार क्लासेस के नाम से है। वहाँ पर जाके आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पर इस ऐप की भी लिंक आपको मिल जाएगी। इस लिंक पर क्लिक करके भी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप सीधे जा कर के उपहार क्लासेस आप अपने प्ले स्टोर पर सर्च करना, तो आप वहाँ पर जा कर के भी इसको डाउनलोड कर सकते हो।
तो ये बात तो रही। अब इसके अंदर हम कोर्स में क्या क्या कवर करेंगे, हम सबसे पहले ग्रामर में सेंटेंसेस कवर करेंगे, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन एंड ऑफ काइंड्स ऑफ नाउंस है, नाउन जेंडर है, नंबर है, केस है, एडजेक्टिव है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव्स यूज्ड एज नाउन, पोजिशन ऑफ एडजेक्टिव्स, करेक्ट यूजेस ऑफ सम एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स, पर्सनल प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटरगेटिव प्रोनाउंस, वर्ब ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मूड, टेंस, यूजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस, ये आपका है फ्यूचर टेंस है, वर्ब पर्सन एंड नंबर, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल है, जेरंड है, इनरेगुलर वर्ब्स है, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल वर्ब्स जो होती हैं, कॉन्जुगेशन ऑफ द वर्ब लव, लव वर्ब को अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स में कैसे यूज़ किया जाता है ये मैंने समझा रखा है, एडवर्ब्स ऑफ क्या एडवर्ब्स क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स हैं, पोजिशन ऑफ एडवर्ब्स हैं, प्रपोजिशंस हैं, वर्ड्स फॉलोड बाई प्रपोजिशंस ये क्या होते हैं ये मैंने बता रखा है, कंजंक्शंस, सम कंजंक्शन एंड देयर यूजेस, इंटरजेक्शन, सेम वर्ड्स सेम वर्ड यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, एक ही वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे यूज़ होता है ये मैंने बता रखा है। तो ये तो आपका ग्रामर का पोर्शन रहा है। इसके बाद बात करते हैं पार्ट वन में एनालिसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस के अंदर, जिसके अंदर एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस मैंने बता रखा है, फ्रेजेस पढ़ा रखा है, फ्रेजेस के अंदर एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्ब फ्रेजेस और नॉन फ्रेजेस पढ़ा रखा है और अलग अलग एक्सरसाइजेस उसकी, देन क्लॉजेस, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, नॉन क्लॉज और उनकी एक्सरसाइजेस। जब सेंटेंसेस की बात करेंगे तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ेंगे उनकी एक्सरसाइजेस, और नॉन क्लॉजेस के बारे में पढ़ेंगे उनकी एक्सरसाइजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और उनकी एक्सरसाइजेस, एडवर्ब क्लॉजेस जैसे कि टाइम क्लॉज, प्लेस वाली क्लॉजेस, पर्पस वाली क्लॉजेस और उनके एक्सरसाइजेस, कॉज एंड रीजन, कंडीशन, रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंस, कंपैरिजन, सपोजिशन एंड कंसेशन, इन सभी के एक्सरसाइजेस और इन सभी के रूल्स बड़े ही डीपली हम लोग समझेंगे। एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है ना, और उसकी एक्सरसाइजेस, एनालिसिस ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस उनको तोड़ेंगे समझेंगे डिटेल में उनकी एक्सरसाइजेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे जिसमें जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टी डबल ओ सेंटेंस कैसे यूज़ होता है, कैसे हटता है, कैसे लगता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है वो कैसे यूज़ करेंगे उनकी एक्सरसाइज सभी की देखेंगे डिटेल में, अफर्मेटिव से नेगेटिव, इंटरगेटिव से असर्टिव, एक्सक्लेमेटिव से असर्टिव, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे डिटेल में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे डिटेल में, सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाते हैं, कंपाउंड से सिंपल कैसे बनाते हैं ये देखेंगे डिटेल में, उनकी एक्सरसाइज देखेंगे ठीक है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स से सिंपल कैसे बनाते हैं, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कैसे बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स से कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये सारी चीज़ देखेंगे डिटेल में, उनकी एक्सरसाइज भी देखेंगे, साथ ही साथ सिंथेसिस देखेंगे बड़ी डिटेल में कि दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को आपस में जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे विद एक्सरसाइजेस ठीक है। फिर दो या दो से अधिक और ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसकी एक्सरसाइज कुछ अलग से और देखेंगे, एक्सटेंडेड फॉर्म में और होगा वर्जन। देन उसके बाद कुछ और एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना भी सीखेंगे ठीक है। फिर इसके बाद सीक्वेंस ऑफ टेंसेस देखेंगे, उनकी एक्सरसाइज देखेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट देखेंगे प्लस एक्सरसाइज देखेंगे, फिर करेक्ट यूजेस देखेंगे जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखेंगे, नाउन एंड प्रोनाउंस के रूल्स देखेंगे, एडजेक्टिव्स एंड एडजेक्टिव्स देखेंगे, वर्ब्स देखेंगे, एडवर्ब्स देखेंगे, विद एक्सरसाइज देखेंगे, कंजंक्शन देखेंगे, ऑर्डर ऑफ वर्ड्स देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे, स्पेलिंग रूल्स देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स देखेंगे, उन सभी की एक्सरसाइजेस देखेंगे। फिर पार्ट नंबर थ्री की बात करें तो इसमें स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखेंगे जिसमें वर्ब पैटर्न्स है विद एक्सरसाइज, क्वेश्चन टैग है, शॉर्ट आंसर्स है ये भी देखेंगे और कुछ अलग से स्ट्रक्चर्स होंगे वो देखेंगे। तो एक्सरसाइज 131 तक हम लोग सब कुछ बड़े ही डिटेल में सिक्वेंस में ये सब कुछ देखेंगे। तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जितना भी मैंने अभी तक आपको समझाया है
ये आपको रेने मार्टिन के दो फोल्डर मिलेगा। कौन कौन से, जैसे आप कोर्स को बाय करोगे तो आपको दो फोल्डर मिलेंगे, एक तो ओनली रेने मार्टिन, जिस सिक्वेंस में मैंने अभी आपको पूरा कोर्स दिखाया है उसी सिक्वेंस में इस वाले फोल्डर में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, पूरी आपको थ्योरी मिलेगी और पूरी आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगी विद सिक्वेंस में, बिल्कुल आपको मिलेगा कोर्स, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि नहीं सर कुछ अपने मन से आप थ्योरी बताओ, कुछ अपने मन से पढ़ाओ, फिर रेने मार्टिन की हमें थ्योरी पढ़ाओ फिर उसकी एक्सरसाइज कराओ, यानी आप डबल थ्योरी प्लस एक्सरसाइज चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा, तो इस वाले फोल्डर में चले जाना। ये भी फोल्डर आपके पास रहेगा, ये भी फोल्डर आपके पास रहेगा। इस वाले फोल्डर की खासियत क्या रहेगी कि जैसे कि मैंने आर्टिकल अपने मन से पढ़ाया, आर्टिकल्स पहले मैंने अपने मन से पढ़ाया, अपनी मैंने थ्योरी दी, फिर रेने मार्टिन की थ्योरी आर्टिकल वाली मैंने पढ़ा दी, ठीक है, फिर उसकी एक्सरसाइजेस मैंने करवा दी, ये रहेगा तरीका। तो दो बार थ्योरी पढ़ेंगे, एक बार मेरी वाली थ्योरी, एक बार रेने मार्टिन की थ्योरी, उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस, ये पैटर्न मिलेगा इस वाले फोल्डर के अंदर। और केवल आप रेने मार्टिन की थ्योरी, जैसे आर्टिकल की थ्योरी और उसकी एक्सरसाइज, केवल रेने मार्टिन ही आप पढ़ना चाहते हो और कुछ एक्स्ट्रा आपको दिमाग नहीं लगाना है एक्स्ट्रा, तो इस वाले फोल्डर को सीक्वेंस आप पढ़ सकते हो। जो पैटर्न इसका रहेगा वही पैटर्न बिल्कुल सीक्वेंस इसका रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, कोई भी आगे पीछे कंटेंट नहीं रहेगा। आप इसके लिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, सब कुछ आपको मिलेगा। और कुछ आपको लगता है कि सर ने कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा रखा है या कुछ मैंने एक्स्ट्रा बता रखा है, तो उसके नोट्स आप अलग से बना लेना, ठीक है, उसके लिए आप बिल्कुल पैनिक मत होना, उसके नोट्स आप अलग से बना लेना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने अलग से अपने तरफ से बता रखी हैं जो कि इस बुक में नहीं दी गई हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ उसके नोट्स आप अलग से बना लोगे, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और छोटी सी मैं बता देता हूँ, जैसे कि रेने मार्टिन के अंदर एक चैप्टर है एडजेक्टिव, उसका नाम है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव में उन्होंने एक चैप्टर डील किया है जिसका नाम है डिग्रीज, ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल लाइटली उन्होंने डिस्कस किया है, तो वो डिस्कशन मैंने वहाँ थोड़ा बहुत तो किया है, फिर जाकर के मैंने ट्रांसफॉर्मेशन जो चैप्टर है आपका आगे चल करके ट्रांसफॉर्मेशन, उसके अंदर इस वाले थ्योरी को मैंने यहाँ पर बहुत ही गहराई से डिस्कस किया है, तो मैंने इसको उठा करके इसके अंदर ले जाकर के मैंने कवर किया है। तो आपके मन में अगर ये थोड़ा सा भी डाउट आए कि सर कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ आपने छोड़ दी है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ कवर कर रखा है। आप पहले वीडियो से लास्ट वीडियो तक देख लेना, आपको कुछ भी छूटा हुआ नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है बीचों को छूटा हो तो छूटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ कवर कर रखा है। अगर कोई भी एक्सरसाइज छूटी हुई होगी तो मैंने बता रखा होगा कि मैंने वो क्यों छोड़ रखी है, उसका रेफरेंस दे रखा होगा कि ये एक्सरसाइज किस एक्सरसाइज से मैच कर रही है, उस एक्सरसाइज से इस एक्सरसाइज को देख करके कर लेना अपने एक्सरसाइज से और आंसर की से मैच कर लेना। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज़ छूटी नहीं है, सब कुछ कवर कर रखा है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो आप इस कोर्स को पढ़िए आराम से और इस कोर्स को कवर कीजिए।